नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पोको M4 5G वर्सेस Realme Narzo 50A का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो M4 5G में 6.45 इंच जबकि Narzo 50A में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो M4 5G में 0.35 इंच जबकि Narzo 50A में 0.38 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि M4 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो M4 5G में 200 ग्राम जबकि Narzo 50A में 207 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि M4 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो M4 5G में 6.58 इंचेस जबकि Narzo 50A में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन M4 5G में 1080x2400 और Narzo 50A में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो M4 5G में 83.92% जबकि Narzo 50A में 81.7% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो M4 5G में 400 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Narzo 50A में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो M4 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Narzo 50A की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो M4 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Narzo 50A की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो M4 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Narzo 50A में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो M4 5G में Mali G57 MC2 जबकि Narzo 50A में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो M4 5G में MediaTek Dimensity 700 और Narzo 50A में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो M4 5G में 6GB की RAM मिलती है जबकि Narzo 50A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो M4 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Narzo 50A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो M4 5G में अप टू 512GB जबकि Narzo 50A में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो M4 5G में Android V12 जबकि Narzo 50A में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी M4 5G में 5000 mAh जबकि Narzo 50A में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो M4 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Narzo 50A की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस
4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो पोको M4 5G में 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme Narzo 50A की तो उसमें 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में M4 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco M2 Pro है, दूसरा Vivo EQZ3 5G है, तीसरा Samsung Galaxy A22 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।